दोस्तों सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हमारी वीडियोस आप तक पहुंचे सबसे पहले। सिर्फ 100 रुपए के लिए बट गया हिंदुस्तान और पाकिस्तान। ये 100 रुपए बनी उस खूनी बंटवारे की एक वजह। कैसे? 15 अगस्त 1947 से 9 दिन पहले 60 मुसलमानों का कत्ल अमृतसर में कर दिया गया। इसके ठीक 2 दिन बाद यानी 6 अगस्त 1947 को 74 सिखों का कत्ल लुधियाना फिरोजपुर रोड जलालाबाद के पास कर दिया गया। 1947 के अगस्त के पहले हफ्ते में खून खराबे से अमृतसर की जमीन लाल हो चुकी थी। हर रोज तकरीबन 100 लोग अपनी जान देकर देश के बंटवारे की कीमत चुका रहे थे। आजादी से 48 घंटे पहले 13 अगस्त 1947 को लाहौर से अमृतसर चली एक ट्रेन। लाहौर के मुगलपुरा स्टेशन से चली इस ट्रेन में अमृतसर एक भी इंसान जिंदा नहीं पहुंचा। 43 हिंदू और सिखों को ट्रेन पकड़ने से पहले ही काट दिया गया। 14 अगस्त को लाहौर स्टेशन पे ट्रेन पर चढ़ने से पहले ही 43 सिखों की हत्या कर दी गई। जिस वक्त बंटवारे पे पंजाब जल रहा था, ठीक उसी वक्त दिल्ली के स्टेशन पर खड़ी थी वो पाकिस्तान स्पेशल। इसमें पाकिस्तान जाने वाले सरकारी अफसर, कर्मचारी और उनके परिवार मौजूद थे। पाकिस्तान स्पेशल को दिल्ली से शानदार विदाई दी गई। लेकिन जब ये ट्रेन पटियाला पहुंची तो पहली बार किसी ट्रेन पर हमले शुरू हो गए। एक महिला और एक बच्चे की हत्या कर दी गई। जब ये खबर लाहौर और कराची पहुंची तो बदला लिया गया अमृतसर आने वाली पहली ट्रेन से। और अमृतसर के इसी स्टेशन पर जब वो पाकिस्तान से ट्रेन पहुंची तो वो लाशों से पटी हुई थी। 15 अगस्त की शाम पाकिस्तान से जो ट्रेन आई अमृतसर के रेलवे स्टेशन पर, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के इसी इंजन ने उस ट्रेन को खींचा था। उस ट्रेन के अंदर सिर्फ लाशें ही लाशें दिखाई दे रही थी। हर तरफ सिर्फ लाशें ही लाशें। और ट्रेन के आखिरी बोगी पर जो लिखा था उसे सबको हैरान कर दिया। ट्रेन के आखिरी डब्बे पर एक पर्चा चिपका था जिस पर लिखा था, पटेल और नेहरू के लिए ये आजादी का तोहफा है। जिस वक्त बंटवारे की कीमत बेकसूर लोग चुका रहे थे, उस वक्त बंटवारे का सबसे बड़ा किरदार मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान में बैठा था। जिन्ना अगर राजनीति में नहीं होते तो शायद आज पाकिस्तान नहीं होता। 1892 में बॉम्बे यूनिवर्सिटी से मैट्रिक पास करने के बाद जिन्ना वकालत करने लगे। एक बड़ी लॉ कंपनी में काम करने का सपना जिन्ना को कराची ले गया। सेठ हरचंद राय उस वक्त कराची की एक बड़ी लॉ कंपनी के मालिक थे और जिन्ना उनके यहाँ नौकरी चाहते थे। लेकिन जिन्ना जितनी तनख्वाह मांग रहे थे, सेठ हरचंद राय उतनी तनख्वाह देने के लिए राजी नहीं थे। बात थी 100 रुपए की। जिन्ना 100 रुपए की तनख्वाह की बात पर अड़े रहे और आखिरकार उन्हें यह नौकरी नहीं मिली। जिन्ना को अगर 100 रुपए की नौकरी मिल जाती तो कराची से मुंबई नहीं आते। 1896 में मुंबई लौटकर जिन्ना राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। हिंदुस्तान में मुसलमानों की आवाज उठाने के लिए साल 1906 में मुस्लिम लीग पार्टी बनी। उस समय तक जिन्ना नामी वकील बन चुके थे। मुस्लिम लीग ने जिन्ना को पार्टी में शामिल होने को कहा लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। 7 साल की दूरी के बाद 1913 में जिन्ना मुस्लिम लीग के करीब आने लगे। जिन्ना जब कांग्रेस में अपनी जड़ें जमा चुके थे तब 1915 में ब्रिटेन से वकालत कर लौटे मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी का मानना था कि आजादी अंग्रेजों के साथ जंग लड़ना नहीं है बल्कि सत्य, अहिंसा और सविनय अवज्ञा के साथ स्वतंत्रता हासिल की जा सकती है। 1918 आते आते कांग्रेस में गांधी जी का रुतबा बढ़ने लगा। अंग्रेजों के राज से स्वराज तक का सफर कैसे तय किया जाए, इसको लेकर जिन्ना और गांधी जी के विचार टकराने लगे। आखिर 1920 में जिन्ना पूरी तरह से कांग्रेस से अलग हो गए और मुस्लिम लीग में पहुंच गए। अगले 10 साल बेहद अहम थे। 1933 में पर्चे छपाकर मुस्लिम लीग ने भारत का विभाजन कर एक अलग देश पाकिस्तान की हवा फैलाना शुरू कर दिया था। जो जिन्ना ये कहते थे कि मैं सबसे पहले और आखिर में भारतीय हूँ और भारतीय ही रहूंगा, उसी जिन्ना ने देश को बांटने की वकालत शुरू कर दी। अंग्रेजों से मिलकर लड़ने के लिए कांग्रेस ने जिन्ना से एक बार फिर नए गठजोड़ की कोशिश की। लेकिन कांग्रेस की उस कोशिश को उस समय झटका लगा जब जिन्ना ने टू नेशन थ्योरी कांग्रेस के सामने रख दी। 1940 के लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने भारत की आजादी से पहले पाकिस्तान बनाना अपना एकमात्र लक्ष्य बना लिया था। महात्मा गांधी जिन्ना को उनकी पाकिस्तान की जिद छुड़वाने के लिए मनाने के लिए मुंबई गए। 1944 में एक दो बार नहीं पूरे 14 बार उन्होंने जिन्ना से मुलाकात की लेकिन जिन्ना अपनी जिद पर बने रहे। 1946 में ब्रिटेन से भारतीय नेतृत्व के हाथों सत्ता सौंपने का प्लान लेकर लंदन से कैबिनेट मिशन भारत आया। मुस्लिम लीग ने मौका देखकर लंदन के कैबिनेट मिशन के सामने पाकिस्तान को अलग करने की मांग रख दी। कांग्रेस ने इसका विरोध किया और ब्रिटेन का मंत्रिमंडलीय दल बिना किसी ठोस प्रस्ताव के वापस लौट गया। बस इसी से नाराज जिन्ना ने मुस्लिम लीग के समर्थन में 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान कर दिया। ये दिन कोलकाता के इतिहास का सबसे काला दिन साबित हुआ। आजादी के पहले के सबसे खूनी दंगों से कोलकाता लाल हो गया। हुगली नदी के ऊपर बने हावड़ा ब्रिज पर इतनी भीड़ जमा हो गई कि इस पर तिल रखने की जगह बाकी न थी। डायरेक्ट एक्शन डे को कलकत्ता में हिंदू कटे तो उसके बाद के हफ्ते में जब रिटेलिएटरी दंगे हुए तो
उसी बेरहमी से मुसलमानों को काटा गया था। अगर नोआखाली में मुसलमानों ने हिंदुओं को मारा तो बिहार में हिंदुओं ने मुसलमानों को उतनी ही बेरहमी से काट डाला। कोलकाता में भड़की दंगों की आग पूरे बंगाल और बिहार तक फैल चुकी थी। ब्रिटेन ने भारतीय नेताओं पर दबाव बनाना शुरू कर दिया कि अगर अब देश का बंटवारा नहीं हुआ तो गृह युद्ध को टालना मुश्किल होगा। अप्रैल 1947 में भारत के आखिरी वॉइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने जब पंजाब और सीमा प्रांतों का दौरा किया तो उन्होंने ब्रिटिश सरकार को एक चिट्ठी लिखी। उन्होंने लिखा कि जब तक मैं कपूटा नहीं गया था मुझे इस बात का एहसास नहीं था कि भारत कितने बुरे दौर से गुजर रहा है। पंजाब के रावलपिंडी में गांव कहुता में हिंदुओं और सिखों के 2000 परिवार रहा करते थे। रात के वक्त सोते हुए उन्हें पेट्रोल छिड़क कर जला दिया गया। 1 मई 1947 महात्मा गांधी कांग्रेस हाईकमान की बैठक में बिल्कुल हताश नजर आ रहे थे। उन्हें साफ नजर आ रहा था कि देश की आजादी से पहले बंटवारा अब टाला नहीं जा सकता है। जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे नेता भी आजादी से पहले देश पर यह बड़ा खतरा मंडराता हुआ दिख रहे थे। 2 मई 1947 को दिल्ली के एयरपोर्ट से लंदन के लिए रवाना हुए माउंटबेटन। माउंटबेटन ने ब्रिटेन की सरकार के सामने एक प्लान रखा भारत के बंटवारे का। इस प्लान में बंद था भारत के लिए एक खौफनाक भविष्य। नेहरू ने जब इस रिपोर्ट को देखा तो उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था क्योंकि इस रिपोर्ट में भारत के एक दो नहीं कई टुकड़ों का प्लान था। भारत के बंटवारे की इजाजत लेने के लिए 18 मई 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन लंदन चले गए। लंदन से लौटे तो शिमला चले गए। दरअसल लॉर्ड माउंटबेटन ये सोच रहे थे कि भारत के बंटवारे की बात वो सबसे पहले किस नेता को बताएं। फिर उन्होंने सोचा कि वो अपनी इस रिपोर्ट के बारे में सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू को बताएंगे। 1947 में दिल्ली मई की गर्मी से झुलस रहा था। लॉर्ड माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू को शिमला बुला लिया। नेहरू ने जब इस रिपोर्ट को देखा तो उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था क्योंकि इस रिपोर्ट में भारत के एक दो नहीं कई टुकड़ों का प्लान था। 2 जून 1947 की सुबह माउंटबेटन के स्टडी रूम में भारत की 40 करोड़ जनता के साथ बड़े प्रतिनिधि दाखिल हुए। कांग्रेस की तरफ से नेहरू, पटेल और आचार्य कृपलानी, मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली खान, सरदारों की तरफ से बलदेव सिंह आए। माउंटबेटन के सेक्रेटरी ने सातों नेताओं के सामने एक बादामी रंग की फाइल रख दी। इस फाइल में भारत के बंटवारे की रूपरेखा थी। माउंटबेटन ने सातों नेताओं से आधी रात तक अपना फैसला देने को कहा। भारत का बंटवारा हो रहा था और देश के वॉइसरॉय माउंटबेटन की बैठक में गांधी जी शामिल ना हो ये एक अजीब बात थी, लेकिन माउंटबेटन ने सभी नेताओं के जाने के बाद गांधी जी को बुलाया था। सोमवार का दिन गांधी जी के मौन व्रत का दिन था, इसलिए माउंटबेटन ने जब भारत के बंटवारे की बात गांधी जी को बताई तो मौन व्रत होने की वजह से गांधी जी कुछ नहीं बोले। अगले दिन 3 जून 1947 को पूरे देश ने रेडियो पर सुनी देश के बंटवारे की खबर। सबसे पहले भाषण दिया वाइसरॉय माउंटबेटन ने। उनका भाषण छोटा था। इसके बाद नेहरू जी ने देशवासियों से अपील की कि वो बंटवारे की योजना को मान लें। और फिर बारी थी जिन्ना के भाषण की। पाकिस्तान के बनने की खुशी उनके भाषण में साफ झलक रही थी। सरदार पटेल ने सख्ती से हैदराबाद और जूनागढ़ को भारत में रहने के लिए मजबूर कर दिया। 3 जून 1947 को ऐलान हो गया था कि भारत के दो टुकड़े होंगे। लंदन के एक वकील सिरिल रेडक्लिफ ने भारत के दो टुकड़ों के बीच सीमा रेखा तय कर दी थी। हिंदू और सिखों के लिए हिंदुस्तान और मुसलमानों के लिए पाकिस्तान। बंगाल का पूर्वी हिस्सा पाकिस्तान को गया और पश्चिमी बंगाल भारत को मिला। पंजाब के भी दो टुकड़े हुए। पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान को दिया गया और पूर्वी पंजाब भारत का हिस्सा बना। 600 से ज्यादा रियासतों को कह दिया गया कि वो पाकिस्तान या भारत में से किसी एक को चुन सकते हैं। आजादी की तारीख तय हुई 15 अगस्त 1947। भारत के तीन हिस्से देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और गृह मंत्री सरदार पटेल के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गए। हैदराबाद और जूनागढ़ की रियासतें भारत में शामिल होने के लिए तैयार नहीं थे, जबकि कश्मीर पर पाकिस्तान की नजर थी। सरदार पटेल ने सख्ती से हैदराबाद और जूनागढ़ को भारत में रहने के लिए मजबूर कर दिया, लेकिन कश्मीर पर नजर गड़ाए पाकिस्तान ने 22 अक्टूबर 1947 को हमला करवा दिया। 4 दिन बाद कश्मीर के राजा हरि सिंह ने भारत में विलय के पत्र पर दस्तखत कर दिए। भारत में रजवाड़ों को शामिल करने के बाद बंटवारे की कवायद पूरी हो गई, लेकिन बंटवारे की सबसे बड़ी कीमत तो गांधी जी ने चुकाई। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को 3 गोलियां मार दी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।